डबल MA करी है। डबल MA की है। बहु बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तभी तो बच्चे बढ़ेंगे, पोता पोती बढ़ेंगे। एक दही की सास बहू में कभी झगड़ा ना होला? होता है तो क्या हो जाएगा, एक ठैया रहेंगे, जब हम लोग रहेंगे तो जरूर हो जाएंगे। सबसे ठीक कौन लगता है? ओ, क्या बोलते हैं, मोदी। मोदी ठीक लगता है। आप क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है। हमेशा लाइव सीरीज आपको अलग अलग खबर दिखाया, इमोशनल भी दिखाया, हर चीज दिखाया। अब जाके एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं जिसको देख के आप भी बोलेंगे, इसी को कहते हैं हमारा बिहार। जहां लोग लड़ाई करते हैं एक दूसरे से, वहीं पे आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जो मिठाई खा रहे हैं, और साइड में एक बूढ़ी माँ बैठी हुई जमीन पे जो कि परीक्षा दिलवाने लाई है। चाची, क्या नाम हुआ आपका? चिंतामणि। किसको परीक्षा दिलवाने आई हैं? बहू का। तो सास हुई उनकी, ये बताइए कि बहू बहुत पढ़ाई करती थी? हाँ, डबल MA करी है। डबल MA की है। हाँ। तो शादी के बाद आप पढ़ाई करने दी उसको? उनको तो करने दूंगी नहीं। और बेटा आपका क्या करता है? मास्टर है। हाँ। शिक्षक पहले से? हाँ। आपका उम्र क्या हो रहा है? हमारा हो गया होगा 60, हो ही गया। तो आप आई हैं अकेले, बच्चा को अपने घर ही पर देखती हैं, उसके बाद? तो बच्चा को कैसे रखूँ, हम डेरा लेके हैं। यहाँ पे कहाँ से आई हैं? हम आए हैं बिहार, वहाँ छपरा से। छपरा से हैं? कैसे आई है? कैसे आई? गाड़ी से, बस से आई। बस से वहाँ उतरी होंगी बैरिया? हाँ। और फिर वहाँ से फिर यहाँ आई? यहाँ। 3 बच्चा और अपनी बहू को लेके? लेके। तो बहुत सास होती है जो लड़ाई करती है अपनी बहू से? तो करती है तो क्या हो जाएगा। आप नहीं करती हैं? नहीं। हाँ? क्यों करनी? नहीं, बहुत बहुत मानती है। आप चाहती हैं कि आपकी बहू एक पढ़ है, वो आगे बढ़े? चाहती हैं। तो चाहती हूँ, शुरू से चाहती हूँ। हाँ। तो जब शादी करके बहू बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। हाँ। तभी तो बच्चे बढ़ेंगे, पोता पोती बढ़ेंगे। ऐसा सोच बहुत कम लोग का होता है। कहाँ से ये सोच ले आए? सोच जब हमारे पीहर में भी लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, हम भी कुछ पढ़े लिखे हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं तो सब जानती हैं, ABCD सब जानती हैं। हाँ। आपका उम्र क्या हो रहा है? 60। 60 साल की है। हाँ। तो ये बताइए कि पहले ही कुछ करती थी कि अभी पहला परीक्षा है इनका, बहू का? नहीं, बहू का हमारा BEd करी है। BEd करी? तो BEd वाला मामला तो वाला तो सीनियर के लिए कर रही है, सीनियर 9-10। हाँ। 9-10 के। हाँ। तेज बहुत है। अब देखिए, अब तेज है। हाँ। अब जब पास हो जाएगी तभी तो बताऊंगी कि तेज है। हाँ। हाँ। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति पहले शुगर मिल में थे, अब वो जैसे मायावती आई, मिल बंद कर दी। अच्छा, ये बताइए कि सास बहू में कभी झगड़ा ना होला? होता है तो क्या हो जाएगा, एक ठैया रहेंगे, जब हम लोग रहेंगे तो जरूर हो जाएंगे। कभी इसलिए लड़ाई होता है, मैंने खाना नहीं बनाती इसलिए। हाँ, खाना कभी नहीं बनाती है, कभी काम भी नहीं करेगी। हाँ। तो हम भी कर देती हूँ। ये लगे लड़ाई होला? लड़ाई के कोई बात नहीं। बताओ कि बहू बहुरिया बन जाए मैडम जी तो गदगद होइबो ना? हाँ, जरूर हो, जरूर, इसीलिए तो करवा रही है। सरकार व्यवस्था कर ले, ठीक की बेकार? बढ़िया किए हैं सरकार, तो बढ़िया किए हैं। नीतीश कुमार कैसे लगे ना तो? अच्छा लगा। हाँ, तेजस्वी यादव? नीतीश यादव सबसे तो लगते हैं। सबसे ठीक कौन लगता है? ओ, क्या बोलते हैं, मोदी। मोदी ठीक लगता है? ये नहीं, ये सब नहीं, ये भी है। हाँ। ये भी है। चलिए, 3 बच्चे हैं। अरे, आपकी मम्मी एग्जाम देने गई है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? आराधना गोस्वामी। आराधना गोस्वामी, ये बताइए आप क्या बनना चाहती हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं? मम्मी को ऑल द बेस्ट बताएंगे, बोलिए आप। यस। तो आप चाहती हैं कि मम्मी टीचर बने? तो दिक्कत नहीं हुआ आपको बस से आने में? फिर नहीं, मैं बस से नहीं आई हूँ। हाँ। ये लोग मतलब कि छपरा से आए। एज क्या हो रहा है? मेरा एज 8.5 साल। 8.5। इसको जरा बंद करिए, फोन अपना बंद करिए। हाँ, कितना एज हो रहा है? 8.5 साल। 8.5 साल, फिर भी इतनी तेज है। अच्छा, IAS होता क्या, ये बताइए? IAS इंटरनेटिव, लेकिन बड़ा बहुत बड़ा अफसर बनना है आपको? यस। और ये मम्मी एग्जाम के लिए पढ़ाई कितना करती थी? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, आपसे भी ज्यादा। हाँ। और ये बताइए कि आपकी जो दादी है
और आपकी मम्मी है, लड़ाई करती थी कि नहीं? नहीं, सच बोलिए। सच बोले? नहीं नहीं। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी टीचर हैं। टीचर हैं। आपको कौन पढ़ाता है? मेरे को, मेरी मम्मी पढ़ाती है। आपकी मम्मी पढ़ाती है, पूरा बोल्ड मम्मी बना दी है, शेरनी बना दी आपको। लड़ना सिखाई है लोगों से अगर कोई बदमाशी करे तो? नहीं लड़ती मैं किसी नहीं हूँ, बस अपने भाई से। ये तो बहुत लड़ती है। बताइए मम्मी टीचर बनाएंगी तो क्या कहिएगा? ये मम्मी, इसकी बड़ी मम्मी लगेंगी, मेरी मम्मी। अच्छा, आपकी मम्मी लगेंगी। देखिए तीन बच्चे जो कि वैशाली से पहुंचे हैं पटना में, और सब लोग बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, साफ कह रहे हैं कि मेरी मम्मी अगर टीचर बन जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। देखिए हमेशा सास बहू लड़ते ही आई है, आपको दिखाए हैं हम लोग, लेकिन प्यार बहुत कम लोग दिखाते हैं, तो दिखा दिए हम आपको कि एक सास पहुंची है अपनी बहू के लिए कि वो टीचर बन जाए। तो बस इसी के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।